जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार, कैसे? मिलता है, थैंक यू। कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, आप बताइए क्या हाल है और आप इस समय कहाँ पर हैं? कहाँ अजी, पर हैं आप इस समय भारत में? मैं बॉम्बे में हूँ, अच्छा, तो मुंबई। लंदन कब आ रहे हैं? लंदन में आ रहा हूँ 19 को सुबह। अच्छा, तो हाँ, तो यहाँ पे तो काफी ठंड पड़ रही है, थोड़ी सी गर्मी वहां की यहाँ ले आई है। दही में वैसे लाना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, आजकल अच्छा मौसम है यहाँ पर और हम सब इंतजार कर रहे हैं आपके शो का। तो मैं अपने फैंटास्टिक। लिसनर्स को बता दूं कि आपके दो शो होने, तीन शो एक्चुअली इनफैक्ट होने जा रहे हैं यूके में। पहला तो आपका शो होगा 21 जून को रॉयल रीजेंसी हाई स्ट्रीट नॉर्थ में, और आपका दूसरा शो है सैटरडे के दिन 22 जून एट 27 पाटीदार सेंटर में, और एक शो आपका लेस्टर में भी होने जा रहा है। लेस्टर तो में हाँ, तो हमें बताइए कि इस बार आपकी, गौरव शर्मा की और आपकी बिटिया की जोड़ी शो में क्या धमाल कमाल मचाने वाली है? बढ़िया होगा, बढ़िया ही होगा। ऐसा नहीं कि खाली हम छू के जाने वाले हैं कबड्डी। जी वो तो हाँ, हमारे अलग अलग आइटम्स बनाए हुए हैं हमने सब, और लोगों को पता भी है, हम जब भी आते हैं कुछ ना कुछ अलग लेकर आते हैं, तो बिल्कुल हमारा काम ही है। यस यस, ये सालों से करते आए हैं। नई नई बातें हैं, अच्छी अच्छी बातें हैं। मुझे पता है क्या मसाला देना है हमारे चाहने वालों के लिए। हैं जी, उनके लिए क्या मसाला होना चाहिए, ये सब लेके आएंगे। और हंसी मजाक बिल्कुल म्यूजिकल, कोई चीज की कमी नहीं होगी। आपको ऐसा लगेगा कि आप कोई चीज को मिस नहीं करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आप ऑर्केस्ट्रा भी देख रहे हैं और हंस भी रहे हैं। आपको गानों का भी मजा मिल रहा है और कॉमेडी भी मिल रहा है। बिल्कुल, क्योंकि आप गाते भी अच्छा हैं और आपने कई सारे गानों में डांस भी किया है। मुझे याद है कोयला फिल्म में आप शाहरुख खान के साथ बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरह हाँ कदम से कदम मिलाकर नाचे हैं, जी तो ये जी सब भी होगा? अच्छा, हाँ बिल्कुल, उससे बढ़ के होगा। वेरी गुड। हाँ, हमारे म्यूजिकल से आइटम्स होते हैं। कॉमेडी अच्छा, कॉमेडी कहीं से नहीं जाएगी आपको, कॉमेडी सब में रहेगी। हम सब सीरियसली जगह नहीं गाते हैं। नो नो नो, मतलब सीरियसली चाहे सीरियस सीरियस गाने वाले हैं। मतलब चाहे गाना हो, चाहे डांस हो, चाहे स्टैंड अप हो, सब में आपको भरपूर कॉमेडी और भरपूर मजा मिलने वाला है। जाएंगे बिल्कुल, लंदन की हम लोग ऑडियंस है ना, बिल्कुल हमारी तरह है। यहाँ की बम्बई जैसी है, मुंबई जैसी है। बहुत मजेदार ऑडियंस है, एंजॉय करने बिल्कुल वाली ऑडियंस। हाँ हाँ, तो उनके लिए पूरा मसाला लेकर आ रहे हैं हम, तो हर चीज जो है उनको मजा आएगा। बिल्कुल, तो हम सब बहुत ही इंतजार कर रहे हैं कि आपका शो जल्दी से हो, लुकिंग फॉरवर्ड जी फॉर इट। तो अब आपसे, आप मिले हैं मुझसे, तो सोच रही हूँ कुछ और बातें भी कर ली जाएं। आपने इतनी सारी फिल्में की हैं, लगभग 300 से ज्यादा मूवी की हैं, तो जी कोई ऐसा एक कॉमेडी सीन हो जिसको करने में मुश्किल आई हो या जो आपको बहुत यादगार हो, जब भी आपसे कोई पूछता हो तो आपको वो सीन याद आ जाता हो कि हाँ, ये मेरा बहुत ही ज्यादा मेमोरेबल है, बहुत डिफिकल्टी हुई या बहुत मजा आया, कुछ ऐसा हमारे लिसनर्स के साथ आप शेयर करना चाहें? डिफिकल्ट तो कॉमेडी तो है ही। डिफिकल्ट कॉमेडी जो है वो डिफिकल्ट वाला ही काम है, आसान काम तो है ही नहीं, समझे कि नहीं। और हमारे कॉमेडी में क्या होता है ना, जो राइटर लिखा होता है उससे हमको हटके करना पड़ता है। अच्छा, हमारे इनपुट्स होते हैं, हमारे इनपुट्स होते हैं। इम्प्रोवाइज और करते हैं। हाँ, डायरेक्ट और राइटर तो लिखता है बेचारा, उनको जो क्या लिखते हैं, लेकिन हमको वहां जाकर अपने आप को बचाना होता है। हम अपने लिए क्या पंचेस लाएंगे इसमें, इसको और कितना खूबसूरत बनाएं, और उसमें क्या क्या पंचेस डालें इसमें। ये जो है ना, ये हमारा इनपुट जो है, हमारे जो कंट्रीब्यूशन है, वही वजह है कि इतने सालों तक मैं चलता आया हूं। बिल्कुल यही सही, कारण है ना, जो कुछ मैं करता गया, लोगों को अच्छा लगता गया, और वो हमारे डायरेक्टर को पता है, हमारे प्रोड्यूसरों को पता है। अरे बाप रे, जॉनी भाई को ले लो, जॉनी भाई तो सजा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरी लाइफ की बेस्ट मूवी है बाजीगर, 92 में आई थी बाजीगर। मेरी बाजीगर था टर्निंग पॉइंट, बाजीगर से मेरी सब मामला चेंज हो गया। बाजीगर के पहले भी ना, नरसिम्हा, तेजाब, ये वो सब आई चीज आई थी, लव बेटी से, जलवा, ठीक है। लेकिन बाजीगर से इंडस्ट्री ने मुझे अपनाया, बोले इसने कमाल कर दिया। आपको पता है बाजीगर में कॉमेडी राइटर था ही नहीं,
ओ हमने टोटल सेट पर इम्प्रोवाइज किया, पूरा सेट पर किया। तो ये जो है ना, ये जो हमारी मेहनत है, और हमारे डायरेक्टर लोग थे वो भी अच्छे थे, उनका उनका भी इनपुट था, उनका 20% था और 80% उसमें मेरा है। आज भी अब्बास मुस्तान खुद कहेंगे कि पूरा जॉनी भाई ने किया है, राइटर तो था ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है, तो ये डिफिकल्ट है, हमको इतना सोचना पड़ता है। हम सो भी रहे तो सोच रहे हैं, बैठे हुए सोच रहे हैं, खा रहे हैं सोच रहे हैं, इसमें क्या पहुंचाना चाहिए, इसमें क्या पहुंचाना चाहिए, इसको और कैसे मैं पेश करूं, इसको मैं और क्या करूं। तो ये मैं करता आया हूं, इसलिए लोगों को अच्छा भी लगता है, लोगों का प्यार भी मिलता है, और लोग बिल्कुल हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, हाँ भाई इसमें भी कुछ होगा, इसमें भी कुछ होगा। अभी तक तो हमारी फिल्में बन रही है, भी वेलकम वेलकम में आ रहा हूँ, हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी, गोलमाल, हाउसफुल, हाउसफुल 5, गोलमाल 5 बन रही है, हाउसफुल और हेरा फेरी, और फिर वेलकम वेलकम भी कर रहे हैं हम लोग। अब ये सब फिल्में हैं हमारी, शूटिंग चल रही है सबकी। तो ये क्यों चल रही है कि लोगों ने अप्रिशिएट किया है, बिल्कुल तो ये चीज है। तो उसमें हम लोग मेहनत करते हैं, और ऊपर वाले की दया से कृपा से वो चीजें अच्छी लगती हैं, और वो जो भी है वो निकल के आती है, अच्छी 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 चीज निकल कर आती है, ये है। हाँ आपने बाजीगर फिल्म का जिक्र किया, मैं खुद भी उस फिल्म जी, का जिक्र करने वाली थी, बिकॉज मैंने भी आपकी बहुत सारी फिल्में देखी हैं, लेकिन बाजीगर में जो आपकी कॉमेडी थी ना, वो पेट पकड़कर हंसाने वाली थी, और उसमें आप शायद भूल जाया करते हैं, है ना? जी, हाँ, तो उसका एक सीन है जिसको देखकर मैं इतना हंसी थी, जिसमें वो काजोल को लड़की लड़के वाले देखने आते हैं और वो चाय बनाते हैं बिना पत्ती के। ओ माई गॉड, That was so hilarious, और जिस मैं प्रभुदेव जरूर का भी आप बनाया हमने, ये वही हाँ वही बनाया हमने, कुछ अच्छा वही तो वही स्पॉन्टेनियस, क्या लिखा हुआ बात। नहीं था, कुछ नहीं, कुछ नहीं था, कुछ लिखा हुआ नहीं था। और आज भी जब बाजीगर देखती हूँ ना, तो मेरे को इंतजार रहता है कि वो सीन कब आएगा, और मुझे इतनी हंसी आती है। और वैसे भी जो फिल्में आती हैं उनमें स्टार कास्ट के साथ अगर जॉनी लीवर का नाम है, तो लगता है कि चलो कुछ मिले ना मिले, एटलीस्ट कॉमेडी तो देखने को मिलेगी। अब हमारे जो शो आ रहा है ना, इसमें क्या है कि शुरू से लेके एंड तक आपको हंसते रहना, और कुछ नहीं है, कोई ड्रैग, कोई बीच में गैप ना, रट लग गया, चालू इधर चालू जाता। क्या बात है, अब तो मुझे लग रहा है कि जल्दी से शो हो और हम जल्दी से जाएं, क्योंकि रोना धोना तो बहुत आसान होता है, लेकिन लोगों को हंसाना बहुत कठिन होता है। बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल है, लेकिन ऊपर वाले की कृपा है, लोगों की मोहब्बत है, और लोगों की मोहब्बत लोग इतना दिया उन्होंने कि हमको, हम मजबूर हो कि हमको सोचना पड़ता है और क्या दें, और क्या दें, और क्या बना के ले जाए, और क्या बनाए ऐसा। तो ये जो है ना गिव एंड टेक, ऑडियंस का और आर्टिस्ट के साथ में जो गिव एंड टेक है, वो उससे मुझे बहुत फायदा हुआ है, और वो उनको जो उन्होंने जो प्यार दिया है वो उनको वापस मिलता है। बिल्कुल, आपकी आपका जो जोड़ी है कई लोगों के साथ बहुत अच्छी जमी है। कोई ऐसे एक्टर है जिनके साथ आपको बिल्कुल कंफर्ट जोन और लगता हो कि अरे ये फिल्म है तो अब कॉमेडी और भी मजेदार होगी? कोई है ऐसे बॉलीवुड के एक्टर? सॉरी फिर से पूछिए, सॉरी, एक्टर के साथ। हाँ, किस एक्टर के साथ आपका बड़ा ही कंफर्ट जोन है कि अगर ये फिल्म है और मुझे काम मिल रहा है तो मतलब कॉमेडी बहुत ही मजेदार होगी, काम करने में मजा आएगा, ऐसे कोई एक्टर ये मुझे एक इंडस्ट्री टाइम गोविंदा पर गोविंदा के साथ था, के गोविंदा के साथ? साथ हाँ हमारी बड़ी अच्छी ट्यूनिंग थी, हाँ और शाहरुख खान के साथ भी, उनके साथ भी अच्छा अच्छी ट्यूनिंग थी, क्योंकि वो भी करते थे, उनको भी कुछ करना होता था, अरे हाँ भाई भाई इसमें ऐसा करूंगा, ऐसे मैं करूंगा, आप ऐसा करो तो मैं भी ऐसा करूंगा। तो ऐसा जो है ना, उसमें जैसे हम लोगों ने काफी फिल्में, कोयला वेला सब की हम लोगों ने, जी बाजीगर ले लो, कोयला ले लो, हमने काफी किया उसमें, बादशाह फिल्म, जी इसमें बिल्कुल काफी हम लोगों ने, चमत्कार, बादशाह, ये सब चीजें साथ में हम लोगों ने काफी इम्प्रोवाइज किए। तो ये उनके साथ हमको आगे अच्छा लगता है, अक्षय के साथ अच्छा लगता है, अक्षय को भी कॉमेडी का बहुत वो है, और वो भी करते हैं, तो इनके साथ वाकई हमको अच्छा लगता है। बाकी बाकी लोगों के साथ बेचारे, अजय देवगन है, वो बेचारे वो नहीं, अपने अपने कैरेक्टर में रहते हैं, उनको ज्यादा कॉमेडी का वो नहीं है, वो स्टंट वाला है अपना, थोड़ा अपना। तो हम तो उसमें जो कुछ करना हम ही को करके निकल जाते हैं।
तो हमको उनके साथ कोई कॉमेडी का ज्यादा वो नहीं होता है, और वो हमारे को डिस्टर्ब भी नहीं करते, वो अपने काम करते हैं, हम अपने काम करते हैं, तो ये सब तो होता है। लेकिन कोई मिलता है अपने ट्यूनिंग वाले, तो उसमें नेचुरली कॉमेडी और निकल कर आती है। तो आपका नाम तो है जॉन प्रकाश राव, जिन्हें ज्यादातर लोग नहीं जानते क्योंकि सब आपको जॉनी लीवर के नाम से जानते हैं। तो आप जॉन प्रकाश राव से जॉनी लीवर कैसे बन गए? मेरा नाम जॉन है एक्चुअली, जॉन का जॉनी हो गया, फिर लीवर इसलिए कि मैं हिंदुस्तान लीवर, जब लीवर ब्रदर्स है ना, लीवर ब्रदर्स जी फैक्ट्री है ना, लीवर ब्रदर्स जी वही, यहाँ पर उसको हिंदुस्तान लीवर हो गया वो, तो हम वहाँ काम करते थे। वहाँ मेरे पिताजी 30 साल नौकरी किए, फिर मैं उनके नाम पर उनकी सर्विस में मैं लगा, मैं 6 साल वहाँ नौकरी की मैंने, तो जी वहाँ मैं शो करता था फैक्ट्री में, हमारे ऑफिसरों की कॉपी करता था, तो मेरा नाम लीवर रख दिया उन्होंने, तो उन्होंने आज सब लीवर की बराबर कर दी, तेरा आज से नाम लीवर, माइक पकड़ के एक ने मेरा अनाउंस कर दिया, नाम आज से तेरा नाम लीवर, तो ऐसे वो नाम हो गया। ये कुदरती नाम हो जाता है, जैसे बद्रू अपना जॉनी वाकर साहब, जी जॉनी वाकर साहब नाम, उनका नाम रियल नाम बद्रुद्दीन है, बदरुद्दीन काजी। बद्रुद्दीन काजी, राइट, वेरी गुड। तो बद्रुद्दीन काजी, उन्होंने गुरुदत्त के ऑफिस में वो रहमान साहब ले गए थे उनको, तो उन्होंने शराबी की नकल कर दी, उन्होंने वो शराब जिंदगी में कोई पिए ही नहीं, ना पीते हाँ थे ना कभी नहीं, वो शराबी कैसी नकल करके पूरा हमको चांस दो फिल्म का, हम कलाकार हैं, वो पता नहीं क्या क्या उन्होंने तंग कर दिया गुरुनाथ जी, गुरुदत्त जी और उनके पूरे ऑफिस में बैठे हुए सब लोगों को तंग करके ये कर दिया, भाई कौन है यार, इसको हटाओ यार, पुलिस बुलाओ, ये करो वो करो वो करो, बाद में बोले भाई ये भैया बेचारा फिल्मों में काम करना चाहता है, ये न शराब पिया है कुछ नहीं बेचारे, ये तो एक्टिंग कर रहा था। बोले यार कि वाकई एक्टिंग कर रहे, मैं बोले कौन है इरिटेट कर रही आदमी, तो यार उसने वाकई इतनी अच्छी एक्टिंग की शराबी की, कोई पकड़ नहीं सकता यार, कमाल है यार, वाह 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 वाह। तो उनको जॉनी वाकर शराब है ना, वो नाम दे दिया उनको, आज से तुम्हारा नाम जॉनी वॉकर है बदुते, ये चाबी लो गाड़ी, ये गाड़ी की चाबी, ये गाड़ी तुम्हारी है, और आज से तुम्हारा नाम जॉनी वॉकर है और तुम हमारे साथ काम कर रहे हो। बिल्कुल, और देखिए इस नाम तो से ही ये वो कुदरती कभी नाम किसी को मिल जाता ना, ऐसे मुझे जॉनी तो मेरा नाम था ही, जॉन से जॉनी हुआ और वो लीवर वहां से लग गया। और लक्स हो गया, लकी हो गया, इजी है, सबको याद है, आपको सब लोग पहचानते हैं, सब लोग जानते हैं। तो जी, बहुत मजा आ रहा है जॉनी भाई आपसे बात करके। बस हम सोच थैंक रहे हैं कि यू थैंक यू जल्दी थैंक यू रितु जल्दी जी, से बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप आए यहाँ लंदन में और अपना शो तो ला ही रहे हैं, तो आप बताइए क्या कहना चाहते हैं हमारे लिसनर से। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, और हमारे जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, हमारे भाई बहन दोस्त मेरे, और वो जरूर शो में आइए और आपको बहुत मजा आएगा। मेरी बेटी भी बहुत अच्छा कर रही है, और क्या मैं अपनी बेटी की तारीफ करूँ, अभी यहाँ वन मैन शो कर रही हो बॉम्बे में, बहुत हिला के रखी हुई है। तो वो भी बहुत फिर अच्छी, वो भी बहुत अच्छी तो मिमिक्री तीन करती है। घंटे हमको सिर्फ हंसना है और एंजॉय करना है, दुनिया में बहुत टेंशन है, खामखा दुनिया भर की अब पीड़ाएं लेकर बैठे हुए हम लोग, आइए और शो को एंजॉय कीजिए, और फैमिली के साथ आइए, क्योंकि मेरे शो में कोई डबल मीनिंग या गंदी बातें कुछ नहीं होती है, और अच्छी बातों में से ह्यूमर निकालते हैं हम, और अच्छी चीजों में से ह्यूमर निकालने के लिए बहुत तकलीफ होती है, बहुत मुश्किल से ह्यूमर निकल आता है, बिल्कुल लेकिन हम उसकी परवाह नहीं करते, हमारा स्कूल वही है, हम शुरू से यही करते आए हैं, और लोगों को कोई शिकायत नहीं होगी, वो एंजॉय करेंगे। आप मिमिक्री बहुत अच्छी करते हैं, आपको सबसे ज्यादा मजा किसकी मिमिक्री करने में आता है? जी नहीं मैं मिमिक्री अभी तो नहीं करता हूँ, लेकिन पहले करता था, अभी तो मैं कुछ और करता हूँ। लेकिन वो जी टाइम चला गया मिमिक्री का, तो अभी मेरी बेटी करेगी, बेटी को एंजॉय करेंगे सब लोग। हाँ हम तो बिल्कुल हमारे पुराने आर्टिस्टों का करता था, बाद में मैं फिल्मों में आने के बाद मैं अपना वो कैरेक्टर करने लगा, फिर वो अच्छा, फिर वो मिमिक्री करना फिर अच्छा नहीं लगता, अजीब लगता है, तो मैं जी मजाक मस्ती में कर लेता हूँ, वहां भी कर लूंगा जो करना है थोड़ा बहुत, बट अभी अभी मिमिक्री नहीं कर। अच्छा, और आपके अभी साथ आप करोगे तो गौर, पुराने आर्टिस्ट हो गए, तो हमारी जनरेशन को, आज की जनरेशन को पता ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो या आपके या साथ पूरी तिकड़ी है, आप हैं, आपकी बेटी है जेमी एंड गौरव शर्मा, तो आई एम श्योर गौरव एक शर्मा जी है, गौरव शर्मा हमारे वो स्टैंड अप भी करेंगे और एंकर भी है वो।
हाँ, तो एक मजेदार शो होने वाला है, तो मैं एक बार फिर से याद दिलाती चलूं कि जॉनी जी शो लेकर आ रहे हैं और उनका 22 को 27 पाटीदार सेंटर में है, एंड 21 को रियल रॉयल रीजेंसी हाई स्ट्रीट नॉर्थ में है, और लेस्टर में भी आपका शो है, तो सबसे यही कहेंगे कि जरूर देखने आए, और आप भी कह दीजिए एक बार और जाते जाते लिसनर्स को कि जरूर बिल्कुल आए। बिल्कुल जी, बिल्कुल आप लोग आइएगा। लंदन में दो शोज हैं, लेस्टर में 23rd को है, 21st को, 22nd को। लंदन में जहाँ भी आपको सुविधा हो वहाँ अच्छा पड़े वहाँ आ जाइएगा और एंजॉय करिएगा। बिल्कुल, आपसे ये छोटी सी बात करके मुझे इतना मजा आया, तो आई एम श्योर जब हम आपका शो देखने आएंगे तो कितना मजा आएगा, मैं बिल्कुल मतलब ये मजा उम्मीद आएगा, लगा रही। बिल्कुल मजा आएगा, आना ही है। हाँ वो सुर अलग होगा, वो मसाला ही अलग बिल्कुल होगा वहां का, वहां का सूर्य अलग होगा, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू जॉनी भाई हमसे बात करने के लिए, एंड हम ईगरली आपका वेट कर रहे हैं, जल्दी से लंदन आइए तो आपसे मिलने का मौका भी मिलेगा। या बाय, थैंक यू वेरी मच जी। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक्स।